नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के जबरदस्त है वीडियो में। आज मैं साथियों बात करूंगा ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं कि सर हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं और हम लोगों को कैरियर बनाना है लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ओडी के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर, तो हम कैसे एक शानदार कैरियर उसमें बना सकते हैं। साथियों मैं हूं निशान चौधरी, एक्सपीरियंस 17 ईयर और ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूं मैं, और मैंने इंडस्ट्री का मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और इस समय भी मैं एक इंडस्ट्री के अंदर एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहा हूं। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत ही बखूबी दे सकता हूं क्योंकि मैं दिन रात इन्हीं लोगों और इन्हीं चीज़ों के बीच में घिरा रहता हूं। तो साथियों आइए अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं तो अपना कैरियर LND यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और उसी के साथ OD भी आता है यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कैसे बना सकते हैं। तो साथियों ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मेनली दो वर्टिकल होते हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम में आते हैं। एक वर्टिकल होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड PR का, IR & PR का एक वर्टिकल होता है। उसके लिए स्पेसिफिकली MBA कराती हैं यूनिवर्सिटीज़ PR और IR में, वो होता है ग्रेजुएशन के बाद। सपोज करिए आपने BA कर लिया है, अच्छे आपकी परसेंटेज है, नाउ आप आगे आपको समझ में आया कि भाई मुझे HR में कैरियर बनाना है, बहुत बढ़िया बात है। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साथियों, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि आप अपना कैरियर IR और PR में बनाएं। वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन वाले जो हैं वो आपका जो जिस जगह पे आपकी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो आसपास गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उन लोगों के साथ में वो सेटलमेंट बना के रखते हैं। दूसरा उनका मेजर काम होता है यूनियन को कंट्रोल में रखना, यानी कि जो वहाँ पे एसोसिएट्स बंधु हैं, जो मजदूर वर्ग है या जो कर्मचारी वर्ग है, वो यूनियन जो है वो उसको किस तरह से वो टैकल आउट कर रहे हैं, उसको यूनियन किस तरह से बना रहे हैं और आपका मैनेजमेंट यूनियन के साथ किस तरीके से पेश आ रहा है, ये IR और PR के बंदे का काम होता है। तीसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट काम होता है IR PR के बंदे का, वो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं उसको, जो वो बंदे आ रहे हैं नए, उनका जो पूरी की पूरी एज पर नॉर्म्स जो हैं वो PF जमा हो रहा है या PF कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उनका ESIC प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो आपका पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल नॉर्म्स पूरे कर रहा है नहीं कर रहा है, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट के ही इंडस्ट्री चलती है वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो काउंटर चेक करना और उस पर बहुत ही पैनी निगाह रखना, ये काम होता है IR PR HR प्रोफेशनल का। तो साथियों अभी ये मैंने आपको बताया कि एक वर्टिकल क्या काम करता है और फोर्थ उसका काम होता है कि जो भी एसोसिएट बंधु जो हैं अपने, उनसे जुड़े हुए जो दैनिक मसले हैं, जो उनसे जुड़े हुए दैनिक कामकाज हैं, उनको वो निपटाता है, उनको वो टैकल आउट करता है, कौन, HR और IR का बंदा। अब एक IR और PR का बंदा। अब एक दूसरा वर्टिकल होता है, वो होता है साथियों कोर HR का। कोर HR का मतलब क्या होता है, कोर ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, वो जो HR प्रोफेशनल होता है वो जनरली कौन होते हैं, जो MBA ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, जैसे सिम्बायोसिस से HR कर में आपने डिग्री कर ली, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज से, या आपने एक MBA HR में डिग्री कर ली। MBA HR जब करेंगे तब उसके अंदर भी एक सब्जेक्ट IR और PR का होता है, तब वहाँ पे भी आप IR और PR कर बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं। नाउ अब आ जाइए कि भाई वो जो MBA HR का बंदा होता है जिसने IR PR की स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो MBA HR है, नाउ वो जो है लगभग वो बंदा ही कोर HR का काम संभालता है। दूसरे बंदे भी संभाल सकते हैं, जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता है वो भी वो काम संभाल सकते हैं। जैसे जैसे MBA HR वाले बंदे का अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं, वो भी IR PR की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वो सब बात एक्सपीरियंस होने के बाद आप कहीं भी एक दूसरे की जगह शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप MBA HR हैं तो आपका मेनली काम क्या रहेगा, पहला काम होता है साथियों रिक्रूटमेंट करना, यानी कि नए लोगों की भर्ती करना, तो वो काम जो है वो कोर HR का बंदा करता है। रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, जैसे TCS बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट ही अलग होगा,
वो कौन बंदा होगा, वो MBA HR वाला बंदा होगा जो कि रिक्रूटमेंट में काम कर रहा है। दूसरा जो है वो आपका मेजर काम होता है साथियों, वो होता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो PMS का जो काम है वो भी MBA HR वाला बंदा करता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एक सेट सिस्टम होता है जिसके तहत उनका जो है काम का मेजरमेंट किया जाता है, जिसको KRA और KPI कहते हैं, की रिजल्ट एरिया और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो कंपनी ही सेट करती है। आपके फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेट, सबसे पहले कंपनी के टॉप मैनेजमेंट सेट करता है, फिर देन सारे जो हेड्स हैं वो उस टॉप मैनेजमेंट के गोल्स के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करते हैं, देन हेड को देखकर फिर जो नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना टारगेट या अपना गोल सेट करते हैं। तो वो होता है KRA एंड KPIs। तो साथियों अब KRA KPI वाली बात हो गई। अब जो आपका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट काम है जो कोर HR का बंदा करता है साथियों, वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वो जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ है, एसोसिएट्स है, उनको टाइम टू टाइम इनकी स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उसका पूरा का पूरा एनालिटिक्स रखना और उसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करते रहना ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग देने के से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद मेरे एम्प्लॉय में कितना परसेंटेज इंप्रूव हुआ है। ये काम होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो बंदा है, जो HR में ये सब देख रहा है उसका। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो कोर HR वाला बंदा ही रिक्रूटमेंट भी देख लेता है और कोर HR वाला बंदा ही PMS भी देख लेता है, कोर HR वाला बंदा ही जो है वो आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी देख लेता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन आते हैं कि जिसको अप्लाई करके, जो डिफरेंट पॉलिसीज़ को अप्लाई करके मैं किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ आप इस शब्द से कन्फ्यूज ना होए कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में सिर्फ OD आता है। ऑर्गेनाइजेशन कब डेवलप होती है, जब उसका एम्प्लॉय भी डेवलप्ड हो। तो जब OD की बात होती है तो दोनों काम होते हैं, यानी ऐसी पॉलिसीज जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो रहा है और ऐसी पॉलिसीज जिससे एम्प्लॉय भी डेवलप हो रहा है, वो भी पूरा OD के अंदर आता है। तो ये सब काम भी एक MBA HR के बंदे का काम होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो स्पेसिफिक एक फील्ड में अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन करता है, धीरे धीरे जो है उसकी प्रोफाइल चेंज करके दूसरे फील्ड में भी एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। अगर आप लर्निंग डेवलपमेंट में डिप्लोमा करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आपको ये फील्ड पसंद है, तो भारत का एकमात्र संस्थान है साथियों जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिप्लोमा देता है, जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। वो जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक वो डिप्लोमा है। आप नौकरी करते हुए वो डिप्लोमा कर सकते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग से होता है। उसका जो पीरियड है वो लगभग 1.5 साल का होता है। तो 1.5 साल के अंदर आप एक स्पेसिफिक डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपके रिज्यूमे का वेटेज बढ़ता है, आपकी पर्सनैलिटी का वेटेज बढ़ता है, आपके काम का वेटेज बढ़ता है और उसकी कोई फीस भी ज़्यादा नहीं है। आप जानना चाहते होंगे उसकी फ़ीस कितनी है साथियों, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिप्लोमा करने की फ़ीस जब मैंने किया था तब सिर्फ ओनली 45,000 थी, आज से लगभग 4 साल पहले। तो आज की तारीख में वो जो है लगभग मेरे हिसाब से 50,000 के अराउंड होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 1.5 साल का कोर्स और बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है क्योंकि इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कंट्री की जो इंडियन सोसाइटी है उसके साथ कनेक्टेड है। जी हाँ, जैसे अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो अमेरिकन सोसाइटी अमेरिका के अंदर है, वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ये अमेरिकन सोसाइटी और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेटिव है। ऐसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज की जो अलग अलग ट्रेनिंग डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड है। तो डिप्लोमा करने से आप वहां के एलुमिनी बन सकते हैं और इन सब चीजों का आप बहुत ही अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और लास्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ट्रेनर का जो प्रोफाइल होता है वो जबरदस्त प्रोफाइल होता है साथियों। अगर आपके अंदर बोलने का आपको बहुत शौक है, अपना जो है नॉलेज स्प्रेड करने का बहुत शौक है, आपका जो है गुरुत्व बहुत तेज है यानी टीचिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत तेज है, आपको टीचर बनने का बहुत शौक है, कोचिंग आपका आपके रगों में दौड़ती है, तो टीचिंग कोचिंग मेंटरिंग अगर इस फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही शानदार कैरियर होता है, तो आप ये डिप्लोमा ज़रूर से कर सकते हैं। इस डिप्लोमा को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है साथियों, गूगल में जाके लिखिएगा ISTD न्यू दिल्ली, फिर वो आपके रिलेटिव साइट वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे वो डिप्लोमा के कोर्स कब एडमिशन होगा वो वहाँ पे अलग से पॉप आउट होता रहता है। आप वहाँ पे लिंक पे जाके जो है उसको ओपन करके और वहाँ से एंट्री करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया है, अगर आप पैशनेट हैं उस
रास्ते पे चलने के लिए तो आप अवश्य चलिए। अगर नहीं है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसे ही ज़बरदस्त और डेली आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए वीडियो को लेकर फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए निशांत चौधरी पवित्र सीक्रेट चैनल की तरफ से गुड बाय।